गौ चिकित्सालय नागौर राजस्थान के संस्थापक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज का इंदौर के देपालपुर नगर में आगमन हुआ। नगर के चमन चौराहे से लेकर पट्टी तक पुष्प मालाओं से संत का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वामी द्वारा बताया गया कि कामधेनु सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष सरवनपुरी गोस्वामी की सुपुत्री शिखा गोस्वामी का जन्मदिन मनाने वे यहां पहुंचे हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमें जन्मदिन भजन कीर्तन कर मंत्रोच्चारण के साथ मनाना चाहिए, न कि केक काट कर मोमबत्ती बुझा कर होटलों में नहीं मनाना चाहिए। कामधेनु सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष सरवनपुरी गोस्वामी ने बताया कि स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है देश में 2 लाख कामधेनु सैनिक बनाना है जो गौ रक्षा करेंगे। शिखा गोस्वामी का 9वां जन्मदिन है और इसके लिए मैं राजस्थान नागौर से चला के आया हूँ इसके जन्मदिन पर, और वो इसलिए आया हूँ कि देपालपुर के सैकड़ों जो बच्चे हैं उनको इस शिखा गोस्वामी से प्रेरणा लेनी है कि अपने को जन्मदिन कैसे मनाना है। पाश्चात्य संस्कृति से अपने को मनाना नहीं है, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसके जो छोटे छोटे दोस्त थे उन्होंने माला पहनाई है और विधिवत मतलब किया, मंत्रोच्चारण इनका तिलक किया गया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन के द्वारा इसके उज्जवल भविष्य के लिए सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए भी हमने ये कीर्तन किया, और बहुत सारी मात्रा में मातृ शक्ति ने भी इसको आशीर्वाद देने के लिए पधारी है, और साथ ही इसने अपना जन्मदिन केक काट करके नहीं, होटलों में नहीं, या इसमें गोदान करके अभी, और इसने मतलब अपना जन्मदिन मना करके देपालपुर वासियों के नन्हे मुन्ने बच्चों को और पूरे भारत को ये प्रेरणा दी है कि हमें गौ सेवा कृपा प्राप्त कर ली, इन्होंने संत सेवा कृपा प्राप्त कर ली, और ये संदेश भी दे दिया कि अपने को जन्मदिन कैसे मनाना है। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।